बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन का GDB सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने सब्जेक्ट पर फाइनल टर्म की वीडियो भी अपलोड की है जिसमें अराउंड अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी 100% प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट से मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगी अबाउट इस GDB के, अबाउट फाइनल टर्म प्रिपरेशन के। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। चलिए जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एज करेंटली अवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम रोस्ट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रोस्ट बदतरीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। जैसा कि इस वक्त हमारा मुल्क बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, डू यू थिंक अवर नेशन मीडिया चैनल्स आर ऑब्जेक्टिवली कवरिंग द इशू? क्या आपको लगता है कि हमारे कौमी मीडिया चैनल इस मामले को ऑब्जेक्टिवली तौर पे कवर कर रहा है? प्रूव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव एग्जाम्पल। अपने जवाब को मुतलकम साल के साथ साबित करें। सोल्यूशन देख लेते हैं। इन माई परस्पेक्टिव, मेरे नुक्ताए नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, आई डोंट थिंक अवर पब्लिक मीडिया चैनल्स आर इक्विटेबली कवरिंग द इशू ऑफ पॉलिटिकल फिल्मनेस। पॉलिटिकल फिल्मनेस, सियासी कमजोरी, विच अवर नेशन हैज बीन लुकिंग फॉर द कपल ऑफ मंथ्स। मैं नहीं समझती कि हमारा पब्लिक मीडिया चैनल्स सियासी कमजोरी यानी पॉलिटिकल फिल्मनेस के मामले को इक्विटेबली तौर पर कवर कर रहा है, जिस मसले को हमारी कौम, हमारा माशरा महीनों से देख रहा है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। इंडिविजुअल विल जनरली एक्सेप्ट ऑल दे सी ऑन टीवी। हम अक्सर अफराद वो सब बातें कबूल कर लेते हैं जो हम टीवी पर देखते हैं। इट वॉज अनरिलायबल या अनथिंकेबल फॉर द डिफरेंट मीडिया गैदरिंग्स टू मेक अप द टेल ऑफ अमेरिकन इंट्रीग्यू, अमेरिकन इंट्रीग्यू यानी अमरीकी साजिश। डिफरेंट मीडिया गैदरिंग के लिए अमरीकी साजिश का हिसाब किताब करना नाकाबिले एतबार था। अ फ्यू चैनल्स फिगर आउट हाउ टू शो इमरान खान एक्सॉर्शन एंड डिस्करेज अगेंस्ट द अमेरिकन स्कीम, येट दे डोंट शो द एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ एंड खान्स रिलेशन विद अमेरिका। चंद न्यूज़ चैनल्स ने यह सोचा कि हम इमरान खान की अमरीकी साजिशों के खिलाफ दावे और गुफ्तगू को अवाम तक कैसे पहुंचाएं, उनको कैसे दिखाएं, लेकिन उन्होंने फिर भी सच्चाई से अवाम को दूर रखा। उन्होंने इमरान खान का अमरीका के साथ जो ताल्लुकात थे वो नहीं दिखाए और जो सच्चाई में इस न्यूज़ में थी उससे अवाम को महरूम रखा। सिमिलरली, इसी तरह डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स figure out how to show PDM meetings in regarding to denying of American scheme, they additionally don't show realities. इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स ने अमरीकी स्कीम से इनकार करने के हवाले से PDM की मीटिंग को कैसे दिखाया, लेकिन फिर इन्होंने भी सच्चाई से, ट्रुथ से अवाम को महरूम रखा और रियलिटीज अवाम के सामने, पब्लिक के सामने नहीं रखी। We currently seeing a lot of डिसडेन, आप स्क्रोन भी लिख सकते हैं डिसडेन की जगह, ऑन टीवी, इसको कहते हैं तंज, डिसडेन यानी तंज। हम इस वक्त टीवी पर बेशुमार या बहुत ज्यादा तंज देख रहे हैं। एडजस्टिंग रिवीलिंग आप लिख लें इधर डिटेलिंग की जगह। एडजस्टिंग डिटेलिंग इन अनथिंकेबल सिंस सपोजिंग डेट एवरीबडी बिगेन रिवीलिंग इन अ फियर हैबिट देन नो बॉडी टू वॉच द न्यूज एज सम अदर चैनल्स वुड गिव individual the news they need to see. adjust revealing या adjust अफशा करना एक unthinkable या नाकाबले तसव्वुर चीज है, क्योंकि फर्ज करें कि हर कोई एक fear habit यानी माकूल आदत के साथ तफसील देना शुरू कर दे तो किसी को खबरें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई दूसरा चैनल लोगों को वो खबरें देगा जो उन्हें देखने की जरूरत है। not simply to need to change media, not simply need to change media, सिर्फ मीडिया को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। themselves ought change themselves new channels that last straw
अफराद को मुख्तलिफ न्यूज चैनल तब्दील करने होंगे। बज़ाहिर इसके कि मीडिया को हम तब्दील करें, हम अपने न्यूज चैनल को ही तब्दील कर लेते हैं कि जो इमरान खान के हक में खबरें दे या जो पीडीएम के हवाले से अपनी खबरें दे, नवाज शरीफ के हवाले से हम अपने न्यूज चैनल को चेंज कर लेते हैं। तो बस ये देख लें, बस इतना सा आपका जीटीवी सोल्यूशन था। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट से मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।